वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद चल रहा था, तब बहुत से लोग ये कहते थे कि यार चाहे मंदिर बने या मस्जिद बने, कुछ भी बन जाए और ये विवाद खत्म हो जाए, क्योंकि इस पचड़े से, हिंदू मुस्लिम के झगड़े से देश काफ़ी परेशान हो गया है, काफ़ी नुकसान देश का हुआ है। ऐसे लोगों को लगता था कि अयोध्या विवाद सुलझते ही देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर होने वाली सियासत खत्म हो जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे, बहुत कुछ बदल जाएगा, देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन वो भूल गए थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उधर बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद में फवारे बनाम शिवलिंग पर बहस चल रही है, तो इधर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह ने 2024 का चुनावी एजेंडा पेश कर दिया है। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। अलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली है। हालांकि ASI सर्वे कब करेगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, कौन होंगे, ये सब 18 दिसंबर को तय होगा, सुनवाई होगी। लेकिन इस खबर से इतना तो तय हो गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या की तरह ही मथुरा वाले मामले को खूब इस्तेमाल किया जाएगा। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इसकी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है। सियासत की पिच तैयार हो चुकी है और हिंदू मुस्लिम की पिच पर बीजेपी से बेहतर भला कौन खेल सकता है, यानी क्रिकेट के मैच की तरह ही सांप्रदायिकता का मैच भी बीजेपी जीतने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के लिए किसी वर्ल्ड कप की तरह है और उसे लगता है कि वो इस पिच पर शानदार काम करने वाली है और ये चुनावी रूपी वर्ल्ड कप जो है वो जीत जाएगी। तभी तो अचानक से मथुरा वाला मामला तूल पकड़ रहा है। मीडिया की सुर्खियों से लेकर कोर्ट कचहरी तक हर जगह ये मामला अब छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर IT सेल वाले और भक्त मंडली कह रही है कि अयोध्या की तरह ही मंदिर मथुरा में भी वहीं बनाएंगे। यानी कुल मिलाकर माहौल सेट है, मंच लग चुका है, कुर्सियों पर दर्शक बैठ चुके हैं और जल्द ही PM मोदी और UP के CM योगी आदित्यनाथ जैसे जो लोग हैं वो मंच पर खड़े होकर मथुरा वाले मामले का जिक्र करते हुए सुनाई देंगे। ब्रज क्षेत्र भक्ति और प्रेम की भूमि तो है ही, ये हमारे साहित्य, संगीत, संस्कृति और सभ्यता का भी केंद्र रहा है। इस क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए, उन्होंने ब्रज भूमि को भी विकास से वंचित रखा। यानी आने वाले समय में जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, वैसे वैसे इस बात का जिक्र आपको ज्यादा सुनाई देगा। विपक्ष को लग रहा है कि वो रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे मामलों पर बीजेपी को घेर लेगी और जनता क्योंकि त्रस्त है, परेशान है, वो उनको वोट दे देगी। लेकिन बीजेपी हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान, देशभक्ति, राष्ट्रवाद के साथ साथ सनातन का तड़का लगाने की तैयारी में है। वो बहुत माहिर है इस मामले में और आप देखिए कि जनवरी में ही राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है।
प्रधानमंत्री मोदी फुल तैयारी के साथ राम मंदिर के भव्य उद्घाटन को अपनी चुनावी जीत की तरह पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। हफ्तों तक इस कार्यक्रम का आप कहेंगे कि टीवी पर आप प्रसारण देखेंगे, उसकी कवरेज देखेंगे और जो टीवी के मेरिटधारी एंकर और एंकरानी हैं वो आपको पीएम मोदी के स्तुति गान गाते हुए भी दिखाई देंगे, यानी फुल माहौल बनाया जाएगा। मोदी राज में राम मंदिर पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला आना, फैसला सुनाने वाले जज रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजना और फिर मोदी काल में ही राम मंदिर चुनाव से ठीक पहले बनकर तैयार हो जाना, ये सब मात्र एक संयोग नहीं है बल्कि एक रणनीति के तहत ये सब चल रहा है। सियासत की बिसात पर खेल सच चुका है। बीजेपी और आरएसएस वाले लोगों को घर घर जाकर अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। लोगों के घर जाकर कहा जा रहा है कि 24 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है, टिकट बुक करा लीजिए, वहां पर चलना है। कोई राम की पोशाक बनाने में दो धागे राम के नाम के अभियान चला रहा है। आप देखें केंद्रीय मंत्री तमाम जो लोग हैं वो इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, तो कोई मंदिर के लिए दान जुटाने के बहाने ही सही सबको हिंदुत्व की चासनी चटा रहा है। बच्चा बच्चा राम का वरना किस काम का, ये नारे गलियों में सिर्फ राम मंदिर आंदोलन के दौरान ही नहीं सुने गए थे बल्कि उद्घाटन के टाइम पर भी इन्हें सुना जा सकता है। राम मंदिर भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा हो, लोगों को लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद राम मंदिर बन रहा है, लेकिन जनता यही कह रही है कि राम मंदिर असल में मोदी जी ने बनवाया है। असल में मोदी जी को ब्रह्मांड नायक बनाने की तैयारी हो चुकी है। उन्हें विराट हिंदू हृदय सम्राट तो पहले ही स्थापित किया जा चुका है, अब बस उन्हें अवतारी पुरुष घोषित करने की बारी है और जैसे ही वो कर दिया जाएगा उनके मंदिर बनेंगे, उनकी पूजा शुरू हो जाएगी और कह दिया जाएगा कि जो हैं ईश्वर अवतार लेकर आए हैं, तभी इस देश का कल्याण हुआ है, यहाँ पर धर्म की पुनर्स्थापना हुई है, इस तरह के दावे किए जा सकते हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय, सिया राम जय सियारा। राम मंदिर मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि की तरह है और उसके उद्घाटन में भी सरकार शक्ति प्रदर्शन करेगी, क्योंकि जिस धर्म की जिस मंदिर की राजनीति करते करते जनसंघ और बीजेपी जैसी पार्टी बनी आगे बढ़ी, सत्ता के केंद्र में वो पहुंची, अब जब वो उनका एजेंडा पूरा हो रहा है तो वो शक्ति प्रदर्शन जरूर करेंगे। 24 जनवरी को उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के बड़े बड़े मंत्री, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर विराट कोहली, भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, कारोबारी गौतम अडानी और रतन टाटा जैसे बड़े लोग होंगे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, योग गुरु और कारोबारी बाबा रामदेव और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीति तक बहुत बड़े बड़े नाम इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले हैं। खबर तो ये भी है कि 50 देशों के प्रतिनिधियों को भी न्योता भेजा गया है कि वो भी आए, यानी दुनिया को भी दिखाया जाएगा कि देखो हमने कितना बड़ा काम कर दिया, मंदिर बना दिया, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वो सब गया, मंदिर बना दिया, उसको भी एक शक्ति प्रदर्शन और एक अचीवमेंट के तौर पे पेश किया जाएगा। ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। ऐसे में राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक बाद जब मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे और जनता ईवीएम का बटन दबाने जाएगी तो फिर मोदी का असर दिख सकता है। इसकी संभावना है कि जब वोट डालने के लिए लोग जाएंगे तो उसका असर उस पर दिखाई दे सकता है। विपक्ष बीच बीच में अपना जनेऊ दिखाकर या कमलनाथ की तरह बागेश्वर बाबा के आगे नतमस्तक होकर जरूर खुद को हिंदूवादी और बीजेपी के हिंदुत्व के विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मार्केट में एकदम असली, एकदम पक्का ओरिजिनल वाला माल मिल रहा है तो फिर भला कोई डुप्लीकेट माल क्यों खरीदेगा। ये सवाल बनता है कि जब ओरिजिनल हिंदुत्व वाले हैं तो फिर डुप्लीकेट सॉफ्ट हिंदुत्व वालों को कोई क्यों खरीदेगा, यानी जब हिंदुत्व ही चाहिए तो लोग हार्ड हिंदुत्व को लेंगे, सॉफ्ट हिंदुत्व की मार्केट अभी ज्यादा बची नहीं है, विपक्ष को उससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि चाहे वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद विवाद हो या फिर मथुरा का शाही ईदगाह मामला, बीजेपी ने पूरी तैयारी के साथ मामले को तूल दिया है
और चुनाव आते आते ये गूंज और भी तेज हो जाएगी। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है, आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं, आज केदार घाटी में केदार राज्य के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं, और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है, मथुरा और ब्रज भी विकास की इसकी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे, मुझे खुशी है। पहले राम मंदिर के नाम पर माहौल बनाया गया था और अब कृष्ण मंदिर के नाम पर जनता को हिंदू बनाने की तैयारी है। वैसे खुद को श्री कृष्ण का वंशज, गोपालक समाज के वंशज कहने वाले, बताने वाले यादवों के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, उनसे तो उनका भगवान भी छीन लिया गया। ये बात जो है प्रोफेसर कांचा इलैया कह रहे हैं कि उनके साथ इतना बुरा हुआ कि वो उनसे भगवान उनका छीन लिया गया। श्री कृष्ण के सारे मंदिरों पर ब्राह्मणों का कब्जा है और यादव बेचारे हिंदू बनने के बाद भी अपने ही इष्ट देव यानी अपने जो वंशज जिनके वो हैं, अपने इष्ट के देव हैं, उनके मंदिर में पुजारी तक नहीं बन सकते। मैं काफ़ी बार पूछा मोहन भगवत या दत्तात्रेय उस बोले इन संस्कृत स्कूल्स लगा दीजिए, सबको एडमिशन दीजिए, विदाउट कास्ट पुजारी बना दीजिए, तिरुपति टेम्पल में बना दीजिए, कोई राम टेम्पल में बना दीजिए। मैं यूपी का यादवों से भी मीटिंग्स में बोला, देखो कृष्ण यादव है, वो यादव के पास यादव पुजारी होने दो, तुम पुजारी बनो जाके, वो क्या पढ़ना वहाँ। मैं बोला भगवद गीता पढ़ो, कौन सी भाषा में, अरे संस्कृत में पढ़ लो, नहीं तो इंग्लिश में भी पढ़ो, कृष्ण भगवान है बहना भाई, उसको इंग्लिश आता, डोंट वरी, वो वही भगवद गीता इंग्लिश में है कॉपीज, वही गीता प्रेस ट्रांसलेट किया, सो इंग्लिश में पढ़ो, मगर तुम पुजारी बनो, वहाँ भी ब्राह्मण क्यों, राइट। एक सो ये इश्यू आरएसएस बीजेपी अब पावर से रिजॉल्व करना होगा। राम मंदिर में भी मोहित पांडे नाम के ब्राह्मण को पुजारी बनाया गया है और अगर कृष्ण मंदिर भी बन गया तब भी कोई ब्राह्मण ही पुजारी बनेगा, इसलिए थोड़ा रुक कर सोच लेना चाहिए कि आखिर मामला क्या है, हमारे हाथ क्या लगा, हमारे पास क्या आया। एक तरफ राम मंदिर और कृष्ण मंदिर का विवाद है तो दूसरी तरफ हिंदू और मुसलमान के नाम पर खींचतान, देश अलग ही दिशा में निकल चुका है। अच्छा ये बताओ कि शर्मा का लड़का हिंदू धर्म बचाने जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, जाएगा, जाएगा। कैसे बचाएगा? जो उसको करना पड़ेगा वो करेगा। शर्मा क्या करेगा? जो भी, मतलब क्या, जो जैसे राम को हटाएगा हम उसको हटाएंगे। तलवार उठाएंगे? जरूरत पड़ी तो उठाएंगे। अच्छा, हाँ जी। मोहित पांडे नाम का एक ब्राह्मण लड़का राम मंदिर का पुजारी बन गया और हरिओम शर्मा नाम का दूसरा ब्राह्मण लड़का हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों से जय श्री राम का नारा लगवाने का खुला ऐलान कर रहा है। शायद यही वो रामराज है जिसका सपना देखा जा रहा था। इस मामले पर आपकी क्या राय है? 2024 में आप किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? विपक्ष की क्या भूमिका आपको नजर आती है? कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, सावधान रहें, सतर्क रहें, इस तरह की राजनीति का शिकार ना हों और अपने आप को, अपने परिवार को बचाएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीक। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YesB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।